2.7 लाख रिजर्व प्राइस कोई 68 करोड़ रुपए थी और हमें उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है और 1 अरब 71 करोड़ के पूरे 3 डिविजन्स की बिड्स गई। 9 करोड़ बिड थी इसकी, 24 करोड़ के लिए। शुरू में जो ऑक्शन था 1 करोड़ का था, तो ऑक्शन बढ़ते बढ़ते 9 करोड़ 5 हज़ार में हो गया। टेंडर दिए गए अरबों रुपए के, आज जो है टेंडर हुए हैं पूरे पंजाब के जो ठेकेदार। मुल्तान डिवीजन की जो मंडियां हैं उनकी बिड प्राइस थी कोई 38 करोड़, जो कि 80 करोड़ 39 लाख तक पहुंच चुकी है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट की जानिब से इन ठेकेदारों के लिए किसी किस्म की कोई सहूलियत नहीं दी गई, ना ही पीने के किसी पानी का इंतजाम किया गया, ना ही हमारे बैठने के लिए कोई मुनासिब जगह बनाई गई। तो दोनों को फैसिलिटीज़ भी दे रही है गवर्नमेंट, शेड प्रोवाइड करती है, पानी दे रही है, उस तरह की और जो एफिलिएटेड फैसिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट वो भी प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद ये पहला अपनी तर्ज का ये पहला ठेका है। आपको मालूम हो कि कल शाहपुर कांजना की मंडी की तारीख ही बोली गई है 80 करोड़ रुपये, जिसकी बिड प्राइस थी 37 करोड़। अरबों अरबों रुपए के इन्होंने ठेके दिए हैं, लेकिन ठेकेदार के लिए बैठने का इंतज़ाम नहीं है। आप देख सकते हैं खुद भी काफ़ी कास्टली ठेके हैं और जैसे मंडियों के ठेके हैं उस तरह के इनका इंतज़ाम नहीं है। कि एक मंडी आपने ऑक्शन कर दी वो 80 करोड़ सालाना पे चली गई, मोर देन 50% जो मंडी है वो मंडी की हदों से बाहर रोड पर लग रही है, जिसे ना सिर्फ रोड ब्लॉक हो रहा है। इस जून को हमने लाहौर की फैसलाबाद और साहिवाल की मंडियों की ऑक्शन की, जिसकी रिजर्व प्राइस कोई 68 करोड़ रुपए थी और हमें उसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है और 1 अरब 71 करोड़ की पूरे 3 डिविजन्स की बिड्स गई हैं।